यहाँ पर आपको सारी जीमेल आईडी आपकी शो हो जाएंगी, जितने भी आपके फोन में अकाउंट होंगे, व्हाट्सएप अकाउंट, सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जैसे मुझे इस जीमेल आईडी को यहाँ पर जो है अपने फोन से रिमूव करना है, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सामने, आपके सामने खुल कर आ जाएगा रिमूव अकाउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल अकाउंट के बारे में। आपके पास भाई जो है कोई जीमेल अकाउंट होगा, क्योंकि बिना किसी जीमेल आईडी के आपका मोबाइल जो है चल ही नहीं पाता है, उसका प्ले स्टोर नहीं चलता है, उसका यूट्यूब नहीं चलता है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो चलते नहीं है बिना जीमेल आईडी के। और कई बार ऐसा होता है भाई आपके पास एक से ज़्यादा जीमेल आईडी होती है और उससे वो आपके फ़ोन में जो है ऐसे ही अननेसेसरी पड़ी रहती है, उसको आप अपने फ़ोन से रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। ऐसी जीमेल आईडी है जो हमने आप कहीं पर ऐसे ही बना ली थी किसी दूसरे मोबाइल को चलाने के लिए या किसी लैपटॉप को चलाने के लिए या किसी अकाउंट को बनाने के लिए हमने कोई जीमेल आईडी बनाई थी और अभी हमारे फोन में पड़ी हुई है, उसके हमें रिमूव करना है। तो हमें पता नहीं है कहाँ से उस जीमेल आईडी को हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैं उस सारी सेटिंग आपको बताऊंगा आपको कैसे कैसे कहाँ पर जो है रिमूव करनी है। वीडियो बहुत ही छोटी सी होने वाली है। वीडियो से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। देखिए तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, आपको जीमेल वाले सेक्शन पर नहीं जाना है। कभी आप सोचते हो कि जीमेल वाले सेक्शन पर यहाँ पर जाकर जो है हम उस जीमेल आईडी को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जीमेल आईडी आपकी शो हो जाएंगी। इस वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो जितनी भी जीमेल आईडी आपके फ़ोन में चल रही होंगी तो वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको क्या करना है भाई, आपको आ जाना है अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में। मेन सेटिंग में आने के बाद आपको भाई यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए भाई, अकाउंट एंड बैकअप का। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपको मिलेगा अकाउंट्स का या गूगल अकाउंट्स का, तो आपको इस पर चले जाना है। इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद भाई आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर मैनेज अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी, जितने भी अकाउंट होंगे जीमेल के, जितनी भी आपने यहां पर ईमेल आईडी अपनी बनाई हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारी ईमेल आईडी ऐसी होती हैं जिनसे हम अपना अलग 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 अकाउंट चलाते हैं, कहीं से हॉटस्टार लॉग इन कर लिया, कहीं से फेसबुक लॉग इन कर लिया, कहीं से इंस्टा लॉग इन कर लिया, तो वहां पर हम बहुत सारी जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं और उन्हें हम जो है वहां से रिमूव नहीं कर पाते अपने मोबाइल से, क्योंकि हमें सेटिंग नहीं पता है कैसे करनी है। तो यहां पर आपको सारी जीमेल आईडी आपकी शो हो जाएंगी, जितने भी आपके फोन में अकाउंट होंगे, व्हाट्सएप अकाउंट, सारे आपको यहां पर शो हो जाएंगे। तो जैसे मुझे इस जीमेल आईडी को यहां पर जो है अपने फोन से रिमूव करना है, तो मुझे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको सामने, आपके सामने खुल कर आ जाएगा रिमूव अकाउंट। तो जैसे ही आप रिमूव अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रिमूव अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो है रिमूव अकाउंट करने के बाद आपके मोबाइल से ये अकाउंट पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, ये आपको फिर दोबारा से यहाँ पर शो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर वो अकाउंट नहीं है, देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर वो अकाउंट अब आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से भाई आप अपने जीमेल अकाउंट को, फालतू जीमेल अकाउंट को अपने मोबाइल से रिमूव कर सकते हैं, हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेटिंग अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक।